हे नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नेट क्या होता है और जेआरएफ क्या होता है, और नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है, और नेट करने के क्या फ़ायदे हैं और जेआरएफ करने के क्या एडिशनल फ़ायदे हैं, और क्या इनकी एग्ज़ाम अलग अलग होती है, क्या एक ही एग्ज़ाम होती है, और नेट और जेआरएफ की कितनी कट ऑफ जाती है। तो इस वीडियो में हम इस प्रकार की सभी बातें जानने वाले हैं, तो लगातार इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेट से कि नेट क्या है। बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो में पूरे डिटेल में बना चुका हूँ, आप चाहो तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेट और जेआरएफ क्या होता है। यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक सर्टिफिकेट होता है, इसके माध्यम से आप किसी भी सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सहायक प्रोफेसर बन सकते हो। वहीं होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी जेआरएफ। एक फेलोशिप के लिए एक प्रमाण पत्र आपको मिलता है, उसके माध्यम से आपको यूजीसी फेलोशिप देती है। कब देती है? जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी विश्वविद्यालय से एमफिल या पीएचडी करते हो उस समय। तो ये बातें हम और डिटेल में आगे जाके करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी एग्जाम कब लगती है और कैसे लगती है। दोस्तों, मैं जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी एग्जाम कब लगती है, डिटेल वीडियो जाके देख सकते हो, लेकिन आज हम बात करेंगे इन दोनों की एग्जाम क्या एक लगती है क्या। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेट और जेआरएफ, इनकी दोनों की एग्जाम एक ही लगती है, इनकी एग्जाम अलग अलग नहीं होती है। एक ही दिन, एक ही समय और एक ही पेपर जो ऑनलाइन लगते हैं, इसके माध्यम से इनकी एग्जाम आयोजित होती है। अब हम बात कर लेते हैं नेट और जेआरएफ क्या है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जाम एक ही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीएस के एग्जाम लेती है, लेकिन क्या है कि जो रिजल्ट में कट ऑफ में नीचे आते हैं उनको नेट का सर्टिफिकेट मिलता है, और जिनकी थोड़ी सी कट ऑफ हायर जाती है उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए सेलेक्ट किया जाता है। ये एक बेसिक सा अंतर है इन दोनों चीज़ों में। तो जो लोग जेआरएफ पास करते हैं तो उनको नेट का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, उनको एडिशनल जेआरएफ का अलग से मिलता है। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया है नेट और जेआरएफ में, भाई किस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हो। जब भी नेट के फॉर्म आते हैं उस समय आप नेट और जेआरएफ के एक साथ दोनों फॉर्मों को फिल कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन आता है जब भी आप फॉर्म फिल करते हो कि आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि नेट के लिए, या फिर बोथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको चुन सकते हो। मैं दोनों ऑप्शनों को चुन सकते हो। अगर आप पीजी कर रहे हो तब भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आपने पीजी कंप्लीट कर लिया है, और अगर एसटी एससी ओबीसी से हो आप तो आपको 50% चाहिए, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 55% की आवश्यकता होती है। अब रही बात उम्र की, एज की हम बात कर लेते हैं। देखो, नेट के लिए किसी प्रकार की कोई एज लिमिट नहीं है, आप 50 साल की उम्र में भी नेट के लिए आवेदन कर सकते हो और नेट की एग्जाम दे सकते हो। लेकिन रही बात जेआरएफ की, जेआरएफ में क्या है, अगर आप एसटी एससी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर हो तो आपको 35 एज तक, जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35, तब तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और मेल हो तो आपकी 30 एज होनी चाहिए। हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, महिला चाहे किसी भी कैटेगरी को, जनरल एसटी एससी ओबीसी कोई भी कैटेगरी की महिला अगर हो तो उनको 35 एज तक वो जेआरएफ के लिए आवेदन कर सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो नेट और जेआरएफ की जो कट ऑफ है उसमें कितना अंतर आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2018 का रिजल्ट कट ऑफ की मैं फाइल लगा रहा हूँ, मतलब 9 से 10% के बीच में इन दोनों में अंतर आता है। जैसे कि अगर 56-57 के आसपास अगर नेट की कट ऑफ गई है तो 67 या 65 के आप जेआरएफ की कट ऑफ जाएगी। तो मतलब इतना नेट और जेआरएफ में इतना अंतर होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि नेट और जेआरएफ की एग्जाम कैसे लगती है। अब हम जान लेते हैं कि नेट के क्या फ़ायदे हैं, उसके बाद में जानेंगे कि जेआरएफ के क्या फ़ायदे हैं, लोग इतना जेआरएफ के लिए क्यों पीछे पड़ते हैं। जैसे मैंने अगर जेआरएफ किया था उस समय जब मैंने पीएचडी कंप्लीट की तो मुझे कितनी फेलोशिप मिली, मैं सब बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। देखो, अगर आप नेट पास कर लेते हो तो नेट का सीधा सीधा फायदा एक तो ये हो गया कि आप किसी भी भारत सरकार की किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विश्वविद्यालय कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। साथ ही अगर आप एमफिल या पीएचडी करना चाहते हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, दिल्ली यूनिवर्सिटी या अन्य किसी यूनिवर्सिटी से, तो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी में नहीं, मतलब जिनमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप नेट के बिहार पर वहाँ पर वाइवा दे सकते हो और उसी के आधार पर पीएचडी या एमफिल में दाखिला ले सकते हो। इसी नेट पास करने के दो ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फायदे हैं। अब हम बात करते हैं जेआरएफ की, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पास करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो जो लोग जेआरएफ करते हैं उनको नेट का सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, तो जो मैंने दो फायदे पहले बताए वो तो मिलेंगे, इसके अलावा जान लेते हैं। अगर आप जेआरएफ होते हो और जेआरएफ पास करने के 3 साल के अंदर आपको किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना होता है एमफिल या पीएचडी में, अगर आपका एडमिशन हो जाता है एमफिल या पीएचडी में, तो आपको लगातार 5 साल तक, जब तक आपका पीएचडी कंप्लीट होगा तब तक 35
प्लस एचआरए कंटीजेंसी मिला के मतलब पर मंथ आपको लगभग 40,000 रुपये के आसपास फेलोशिप मिलती है। मैंने आपको 35 इस समय फेलोशिप है जिसमें आप एचआरए लगा लीजिए और कंटीजेंसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं आगे आप मुझे कमेंट्स करके बताओ क्या मैं कंटीजेंसी क्या होती है, कोर्स वर्क क्या होता है, इनको अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में समझाऊँ तो नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो इस पर अलग से बना दूंगा। तो लगभग 40,000 रुपये के आसपास आपको फेलोशिप मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे फायदे ऐसे हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हो, आप कहीं भी किसी भी सेमिनार में जाते हो, कहीं भी आप वर्कशॉप अटेंड करने जाते हो, तो यूजीसी आपको उसका अलाउंस देती है, आपको उसके लिए भत्ता देती है, आपको आने जाने का खर्चा या बहुत सी सुविधाएं आपको जेआरएफ के माध्यम से मिल जाती हैं। इसके साथ ही आपको हर साल 20,000 या 10,000 का एक अमाउंट दिया जाता है, उसको कंटीजेंसी बोलते हैं। उसमें आपका पेन कॉपी प्रिंटर का खर्चा या फिर बाइंडिंग या फिर मतलब टाइपिंग ऐसा जो खर्चे के लिए आपको अलग से एडिशनल पैसे दिए जाते हैं। तो और इसके बाद में क्या होता है, ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट हो जाती है। तो कमेंट्स करके बताओ अगर आप चाहते हो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होती है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप क्या होती है, तो मैं एक अलग से और वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कि जेआरएफ और एसआरएफ में क्या क्या अंतर है, क्योंकि मैंने खुद ने पीएचडी किया है, जैसा कि मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है आप जानते ही हो, और मैंने खुद ने कई बार नेट जेआरएफ के एग्जाम को उत्तीर्ण किया है, पीएचडी कंप्लीट किया है। तो उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उसी के आधार पर मैं आपको ये सभी बातें बता रहा हूँ। तो नीचे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना, आपके कमेंट्स को मैं रीड करने के बाद ही अगले वीडियोज को बनाऊंगा। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि दोस्तों अगर आप जेआरएफ को लेके फोकस कीजिए, नेट तो हो ही जाएगा, जेआरएफ के लेवल की पढ़ाई कीजिए, उसके लिए आप मतलब अपने समय को खराब मत कीजिए, इधर उधर भटकना नहीं है आपको, सीधा फोकस के साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो आप अनअकैडमी प्लस पर हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पर हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ, साथ ही आपको और भी चीज़ों में कई तरीके से गाइड करता हूँ, तो आप हमारे प्लस कोर्सेज को ले सकते हो ताकि आपका समय जाया ना हो और आप सीधा और सटीक तरीके से अपने एग्जाम को फोकस करते हुए पढ़ सकें। तो प्लस कोर्सेज को जुड़ जाइए, प्लस कोर्सेज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, वहाँ पर हमारे हर सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं बहुत वेल क्वालिफाइड, जैसे कि मैं हूँ तो मैं कई बार नेट जेआरएफ की उत्तीर्ण पास हूँ, मैं खुद पीएचडी हूँ और मेरे पास 5 साल का लगातार ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो आप इस तरीके से आपको बहुत ही अनुभवी लोग, आज के नए दौर के लोग, पुराने लोगों को छोड़ दीजिए, आप नए तरीके से कैसे पढ़ाते हैं या नए तरीके से पढ़कर हम एग्जाम को कैसे फाइट कर सकते हैं या कंपटीशन के ज़माने में, तो उस तरह की हमारी फैकल्टीज हैं। तो प्लस कोर्स को आप अगर ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जल्द मिलता हूँ अगले वीडियो में, आप मेरे वीडियोज को रात को 9 बजे देख सकते हो। तो दोस्तों हमेशा की तरह जब तक रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत, नमस्कार।